जिस तरीके भाई हम लोग बात कर रहे हैं फैमिली की रणवीर लालाबादी जी के पॉडकास्ट में जब आए थे थी जब बात फैमिली की हो रही थी उन्होंने मिडिल क्लास पे बात की थी और मिडिल क्लास फैमिली का ऐसी होता है कि आज भी उनको लाइन में लगना ही पसंद होता है और वो आज भी अपनी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं भले मेरे पास घर में कितनी भी कार हो हाँ। वो बस ऑटो से ही जाएंगे उनको वो ही चाहिए और वो कहते हैं बेटा वो तेरा काम है वो तू रख हमें जब लगे हम तो से भाई मैं बता रहा हूँ ना और लेटली आई रियलाइज ऐसा नहीं है कि अभी मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता कुछ नहीं पर मेरे अंदर अब वो आ गया मुझे नीचे जिस दिन मेरा बाप बोलेगा ना कि हाँ चाहिए तब बात करूँगा मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी है सारी अपनी नहीं मैं उसकी सारी ख़त्म करूँगा उसके बाद सोचूंगा अपने बारे में कि भाई ठीक है अगर साला मैं आज कुछ खर्चे कर दूँ और मैं कल मेरा बाप मेरे से कुछ मांगे मैं उसे दे नहीं पाऊँगा ना तो मेरे से बड़ा घटिया औलाद कोई नहीं है तो मैं उतना रखना चाहता हूँ कि जितना मांग लेना मेरे मुँह से ना ना निकल जाए ना तो आना नहीं चाहिए अगर उसने मांग लिया तो चाहे वो कितना हो तो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि मुनाव मुनावर की एक लाइन है जो मेरे को बहुत पसंद आई थी कि मेरे से सब ले लो बस मेरी माँ वापस लौटा दो तो वो है मैं उन्हें नहीं खोना चाहता सब ले लेना तुम मत छोड़ के जाना बस मेरा उतना कनेक्ट है कि भाई तुम मांग के देखो मैं सला शरीर से किडनी निकाल के दे दूँ मैं उनमें से उन्होंने माल तो भाई कहाँ से पिताजी के लिए एकदम इतना प्यार घर वालों यार आप नहीं जानते उन्होंने मेरे लिए क्या किया लिमिट नहीं यार उनके प्यार की मैं सच बता रहा हूँ <laughs> लिमिट नहीं है मतलब बचपन से मैंने अगर पापा की जिम में पाँच होंगे ना और मैंने पाँच ही मांग लिए वो देंगे अगर पाँच सौ मैंने दो मांग लिए वो देंगे चाहे कहीं से लेना पड़े वो देंगे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए भाई मतलब कि कहीं ऐसा मन में आ जाए कि यार पापा ने यहाँ नहीं किया पापा ने यहाँ सपोर्ट नहीं किया मैं बोल के तो देखूं वहाँ सपोर्ट है तुझे ये करना है सपोर्ट है तुझे वो करना है सपोर्ट है सो मैंने अभी मैं बताया था मेरी इससे पहले मैंने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो मैंने लिमिट नहीं थी इतना लॉस कर दिया था <laughs> बहुत पैसा डुबा दिया था बहुत तब भी मेरे बाप ने मुझे चू तक नहीं करी कितने चाहिए बता हो जाएगा तो जब ऐसे कर देते हैं ना तो अपने से भाई जिस दिन वो मांगेगा ना उस दिन ना नहीं आना चाहिए क्योंकि वो तो कुछ नहीं मांगता यार मैंने तो बता रहा जितने पापा मेरे से कभी मांग लेते होंगे ना उससे कम से कम तीन जीरो ऊपर <laughs> मैंने डुबा दिए <दिये> थे <laughs> और कुछ नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला उनके बाद उनके अकाउंट में आप अभी डाल दो दस लाख रुपए और मैं मांग लूँ मुझे दस लाख चाहिए तुरंत ट्रांसफर चाहिए ही नहीं नहीं चाहिए भाई पैसे उधर उनको चाहिए नहीं तुझे चाहिए रख सारे रख कोई स्ट्रेस नहीं बस तू खुश रह